हेलो फ्रेंड्स, गजाना ऑटो सर्विस में आपका स्वागत करता हूँ और मैं हूँ हसमुख भाई। और आज आपको बताने वाला हूँ एक्टिवा के बारे में। एक्टिवा के जो शॉकर होते हैं दोस्तों, उसको कैसे चेंज किया जाता है दोस्तों, और साथ ही में आपको हैंडल वाइब्रेशन दोस्तों। आज ये हैंडल वाइब्रेशन जो 40-50 स्पीड होती है नॉर्मल, और हमारा हैंडल वाइब्रेशन होता है दोस्तों, तो उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको साथ में उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूँगा दोस्तों। ऑलरेडी मैंने एक हैंडल वाइब्रेशन का वीडियो अपलोड किया है दोस्तों मेरी चैनल पे। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे मैकेनिकल सॉल्यूशन मिलते रहे दोस्तों, ठीक है। टू व्हीलर के बारे में तो दोस्तों, जो शॉकर रिप्लेसमेंट करना है उसका क्या रीज़न है, कौन सी कंपनी के अच्छे आते हैं, कौन सी कंपनी के सस्ते पड़ेंगे आपको, वो सब मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ में क्या क्या चेंज करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे दोस्तों, सब पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सीधा आपको गाड़ी के पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किससे उसको रिप्लेसमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें शॉकर चेंज करने के लिए, ये है हमारे शॉकर जो मतलब रिब्यूल्ड नहीं होते, अगर रिब्यूल्ड करवाने जाते हैं तो पूरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको रिब्यूल्ड मत करवाइए, इसको चेंज ही करवा दीजिए सीधा। अगर रिबिल्ड करवाने जाओगे तो वैसे भी 400-500 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है। उससे तो अच्छा है कि आप थोड़े पैसे हम ज़्यादा डाल के उसको नया ही ले ले, दोनों तरफ का पूरा सेट ही आता है दोस्तों इसमें। और इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें दो कवर आते हैं इधर, जो है नहीं इस गाड़ी में, और देखते हैं अभी नया डालने का, ठीक है। तो यहाँ पर दो कवर आते हैं दोनों तरफ, जो हमारे मतलब शॉकर बूश होते एंड लिंक बूश होते हैं, दोनों को ये दोनों को कवर करके रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो मतलब दो कॉम्बी ब्रेक है ये वाली, उसके दोनों वायर को थोड़े डिले कर देंगे, साथ ही में ये एक्सल निकाल देंगे, ताकि हमारा जो व्हील है बीच में से हट जाए, आगे का काम कर सके, ठीक है। अभी तो साथ में पहले मैं इसको निकाल देता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। खोल भैया, नट खुला की गाड़ी में। फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी में जो 40-50 पे वाइब्रेशन देती है गाड़ी, तो उसके लिए आपको ये जो मतलब जो शॉकर आता है हमारा आगे के, उसका बूश आता है ये वाला दोस्तों, इसे चेंज कर दीजिए। एंड दोनों तरफ के एंड जो लिंक बूस आते हैं यहाँ पे, उसको भी चेंज करवा दीजिए दोस्तों। ये महंगा नहीं आता, करीबन 150-200 रुपये का पूरा सेट आता है दोनों, तो उसको चेंज करवा दोगे तो जो वाइब्रेशन रहता है वो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाता है पूरा, ठीक है। अगर उसके मतलब अगर आप शॉकर रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो शॉकर रिप्लेसमेंट के साथ नए शॉकर के साथ ये बूस तो आने वाले हैं। अगर जब भी आप रिप्लेसमेंट शॉकर का करो, तो उसके साथ जो लिंक बूस है उसको डाल दोगे, तो जो गाड़ी का वर्किंग होता है बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। तो अभी हमें दोनों मतलब इसके साथ ये बूस तो आने वाले, उसके साथ हमें लिंक बूस भी चेंज करने, और वो कैसे चेंज करने वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी उसका मतलब इसको पहले निकाल देते हैं, और निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, अंदर की साइड यहाँ पर शायद दिख रहा होगा आपको, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एक 12 नंबर का नट दिया हुआ होता है, ये इस तरफ वाले शॉकर का है, उस ठीक उसी तरह यहाँ पे भी दिया होता है 12 नंबर का नट दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है। वो दोनों नट निकालने, और एक्टिवा के जो मतलब जो शॉकर आते हैं वो प्लेजर हीरो गाड़ी हीरो होंडा के जो ब्लेजर आती है दोस्तों, उसमें भी वही शॉकर लग जाते हैं, लेकिन उसमें माइनर डिफरेंस रहता है। मैंने तो सेट किया, लेकिन वो माइनर डिफरेंस क्या रहता है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसको निकाल देता हूँ बाहर, और अभी निकालना दिखा दिया मैंने, तो पहले इसको खोल के बाहर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने मतलब दोनों शॉकर निकाल दिए बाहर, और ये देख सकते हैं आप शॉकर की
अलग पूरा जंग लग गया है और यहाँ से भी घिसा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो दोनों खराब थे इसीलिए हमने चेंज की है। लेकिन अगर ये शॉकर मतलब जो नया ये शॉकर ब्लेजर में लग जाते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ खाली आपको चेंज करनी रहती है कि ये हमारा जो मतलब जो शॉकर का बूश होता है ऊपर की तरफ वाला जो अंदर की साइड लगता है, ये जो ब्लेजर के आप पुराने जंपर चेंज करो तो नए वाले में जो ये बीच वाली जो डिस्टेंस आता है उसको पुराने वाले ब्लेजर मतलब पुराने शॉकर का इसमें लगा दीजिए, तभी आपका सेटिंग परफेक्ट होगा। नहीं तो ये दोस्तों थोड़ा लंबा आता है और उसमें थोड़ा छोटा आता है ये बीच वाला, ये निकल सकता है नीचे, मतलब कोई आपको पुलर यूज़ करके इसको बाहर निकाल दीजिए, आसानी से ये बीच वाला निकल जाता है बाहर। और जो पुराना ब्लेजर का वही डाल दीजिए नए में, तो आपके ब्लेजर में भी वही यही शॉकर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी नए कौन से अच्छे आएगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ला दिया है गैब्रियल का, वो शायद आपको पता ही होगा गैब्रियल के बारे में। फ्रेंड्स, गैब्रियल के जो मतलब जो शॉकर आते हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं दोस्तों, और ये कंपनी सप्लाई में कई जगह पे यूज़ करते हैं, बड़ी गाड़ियों के अंदर गैब्रियल के शॉकर आते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों दो तरह की सेटिंग आती है, लेफ्ट एंड राइट। तो मतलब कोई भी जंपर कहीं भी नहीं लगा सकते दोस्तों, इसके ऊपर लिखा होता होगा LH एंड RH। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, हाँ ये रहा दोस्तों, ये RH है, मतलब अगर आप गाड़ी के सामने से देखोगे तो राइट हैंड साइड पे ये लगता है दोस्तों और लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा लगता है। ठीक है, और मतलब दोनों जंपर सेम ही आते हैं, देख सकते हैं आप, और नए और पुराने की हालत क्या है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में हम जो लिंक बूश है हमारे ये वाले दोस्तों, देखो ये हिल रहा है अभी, उसके कारण गाड़ी पे वाइब्रेशन रहता है और मतलब आपको ऐसा लगता है कि बेरिंग चली गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बीच में से हिलता है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वाइब्रेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और जो आपको ऐसा लगता हो कि बेरिंग चली गई है, तो कभी कभी क्या होता है कि बेरिंग सही होती है लेकिन ये लिंक वाले बूश होते हैं वो चले गए होते हैं, उसके कारण दिक्कत रहती है। ठीक है, तो साथ ही में हम पहले उससे भी बदल लेंगे, तो मैं लिंक बूश वाले मतलब जो है कनेक्टिंग उसको निकाल देता हूँ और कैसे चेंज करना है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने लिंक कनेक्टिंग जो है उसको कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग को बाहर निकाल दिया है, और ये पहले से ही दोस्तों मतलब ये पहले से ही थोड़ा ख़राब था, तो इजी रहा निकालने में, कोई दिक्कत नहीं रहती, डायरेक्ट तुरंत ही निकल गया दोस्तों अपने आप। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इधर जंग लग जाता है और बहुत बहुत कोशिशों के बाद दोस्तों ये निकलता है। ठीक है, तो अभी साथ ही में एक और जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कि अभी जो मतलब ये नया मॉडल जो है, जितना भी नए मॉडल्स आए मतलब 3G 4G उन सब में जो लिंक बूश आते हैं दोस्तों, वो थोड़े मतलब ये पीतल के आते हैं दोस्तों, और वो जो आए अभी नए वो प्लास्टिक के आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो बूश है वो अभी पीतल के, और जो अभी नए मॉडल में आ रहे हैं वो सब प्लास्टिक के हैं। तो अगर आप लेने जाओ तो याद करके अपना मॉडल सही से बताना दोस्तों, क्योंकि अभी HT तो सही है लेकिन उससे बाद जो मॉडल नया है 3G 4G सब में प्लास्टिक का आता है, तो चीज़ थोड़ी ध्यान में रखें दोस्तों। अभी नया मैं जो लिंक बूश लाया उसके साथ किट में क्या क्या आता है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह पूरी असेंबली किट आती है, पूरे यहाँ से उस तरफ तक नट आता है, उसके साथ पूरी किट आती है दोस्तों, और इसको बिल्कुल आसान है तरीका बिठाने का, तो लगाते वक्त थोड़ा ग्रीस लगा के डालिए दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक नोजल दी होती है ग्रीस डालने के लिए, लेकिन वो टूटी हुई है और ख़राब हो गई है। ठीक है दोस्तों, लो ये भी निकल गया, तो अभी क्या करेंगे हम इसको थोड़ा साफ कर देंगे और अंदर हैमरी पेपर लगा देंगे, जो जंग लगाए वो पूरा बिल्कुल साफ हो जाए, और इसके बाद ग्रीस लगा के इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको,
और आगे जानकारी देता हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, ये लिंक बुश में तोड़ देता हूँ और इसको लगाना है। जैसे मैंने बताया कि पहले हम जो कनेक्टिंग होते हैं उसको साफ कर दिया मैंने ठीक तरह से एमबी पेपर से। और ये दोस्तों, ये जो मतलब नट आता है उसके अंदर एक ओरिंग आती है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको एक रबर की ओरिंग आती है दोस्तों। तो ये जब टाइट कर देते हैं तो बाद में हिलती नहीं है, इसलिए रबर की ओरिंग दी जाती है। और इसको लगाना कैसे है तो वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें जो कनेक्टिंग होता है उसके अंदर हल्का सा ग्रीस लगा देंगे ताकि ये फ्री रहे, ठीक है। और बाद में बुश आते हैं दोस्तों, ये इसको पहले कोई भी एक बिठा देंगे हम, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरा बिठा देंगे, बाद में यहाँ पे डोयल आ जाएगी, ठीक है, बीच वाली डोयल, ठीक है दोस्तों। अभी इसके ऊपर ये कवर आता है, दूसरी तरफ सेम ये कवर आता है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया, अभी कुछ करना है, सीधा बिठाना है इसको। और मैं कैसे बिठाना है वो तो आपको पता है दोस्तों, लेकिन ये जो ये जब दिया हुआ है ये दोस्तों, ये मतलब जो लाइनर होता है, जो प्लेट लगती है ब्रेक शू की, उस तरफ आता है, ठीक है, इस तरफ दोस्तों, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे लगाना है इसको, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको फिट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल जो शॉकर था वो हमारा रेडी हो गया है फिटिंग होके, और इसका चक्कर भी मैंने लगा दिया, बिल्कुल 0-0 हो गया है दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सीधी नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यही था वीडियो हमारा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।